पंजाब में बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है उसकी कंप्लीट एंट्रेंस टेस्ट की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। ऑफलाइन मोड में हो रहा है, ऑनलाइन मोड में नहीं हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग इसके नहीं है। ओके, डेट क्या है, 24 जुलाई 2022 को टेस्ट होगा, 10:30 बजे शुरू होकर 1 बजे खत्म होगा, 2.5 घंटे का टेस्ट होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, 25% जनरल कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी में बाकी सभी कैटेगरी आ जाती है यहाँ पर एससी और एसटी को छोड़कर। इट मीन्स 38 मार्क्स लेने होंगे जनरल कैटेगरी को और 20% मार्क्स एससी एसटी कैटेगरी को। मार्क्स कितने बन रहे हैं 30, क्योंकि 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये आगे चल के बात करते हैं। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड कब मिलेंगे, ऑनलाइन आपको 12 जुलाई 2022 को 6 बजे के बाद, और आंसर की 25 जुलाई 2022 को, रिजल्ट आउट हो जाएगा 1 अगस्त 2022 को। टोटल 5 पार्ट्स होंगे आपके एग्जाम के, जो टेस्ट के 5 पार्ट्स होंगे ए बी सी डी ई। फर्स्ट होगा जनरल अवेयरनेस का टेस्ट, 30 मार्क्स का, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, और बी होगा टीचिंग पोटेंशियल, 30 मार्क्स 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, सी जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 30 मार्क्स 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, डी होगा इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी है, 30 मार्क्स 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, और एक ऑप्शन है पंजाबी और हिंदी में, जो कैंडिडेट्स 10th में पंजाबी पढ़ चुके हैं उनके लिए पंजाबी कंपलसरी रहेगी, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। अगर पंजाबी नहीं पढ़ी 10th में तो हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। ये टोटल क्वेश्चन हो गए 150 मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मेन ये है, इसमें नंबर 1 पर है कि एग्जामिनेशन में आप अपियर हो रहे हैं इसका मतलब एलिजिबिलिटी मत समझिए। टेस्ट वाले दिन 50 मिनट्स पहले पहुंचेंगे, 10:30 बजे एग्जाम है, इट मीन्स आपको 9:30 बजे पहुंच जाना चाहिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर। मीडियम क्या होगा, 1 से 90 तक जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश मीडियम और पंजाबी में होंगे, और नेक्स्ट जो पंजाबी वाला पंजाबी और हिंदी वाला हिंदी और इंग्लिश वाला हिंदी में होगा, जो 4th एंड 5th। अगर किसी कैंडिडेट के किसी शोल्डर या किसी वायु पर चोट लगी हुई है तो वो लिख नहीं सकता, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट राइटर का हो सकता है। 3 कंडीशन में कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा राइटर का इंतजाम हो सकता है, एक जो पर्सन ब्लाइंड है, दूसरा जो परमानेंटली जिनके हाथ पर चोट लगी है लिखने के लिए काबिल नहीं है, तीसरा टेम्पररी डिसेबल्ड है, किसी शोल्डर पर आर्म पर या हाथ पर चोट लगी हुई है। इन कैंडिडेट्स को अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर से बनवाना होगा। इनको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो आप एरर कर सकते हो और 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, पर भी रह सकते हो। 2 चीजें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में प्रोवाइड की जाएगी, एक तो आंसर क्वेश्चन बुकलेट, ये क्वेश्चन बुकलेट है। क्वेश्चन बुकलेट में क्या है कि क्वेश्चंस प्रिंट है, एक साइड में इंग्लिश पर प्रिंट है, दूसरी साइड में पंजाबी में प्रिंट होंगे। आपने क्वेश्चन की स्टेम को या क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होंगे। इसके साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी ये ओएमआर शीट। ओएमआर शीट पर जो ऑर्डर आपके क्वेश्चंस का है उसी में 4 ऑप्शन प्रोवाइड की जाएगी। आपने अपने क्वेश्चन का नंबर पढ़ना है और यहाँ पर उसी नंबर ओएमआर शीट पर जो आंसर आपको 4 में से बेस्ट लगता है, एक आंसर, 2 फिल नहीं करने, उस आंसर को आपने यहाँ पर सर्कल करना है। सर्कल किससे करना है, ये रहा ब्लैक, ब्लैक पेन से ऐसे सर्कल करना है। ऐसे सर्कल करना है, आप एक ही क्वेश्चन की 2 ऑप्शन को फिल नहीं करोगे, आपका 0 मार्क गिना जाएगा। और मार्क करने के लिए आप ब्लैक पेन, यहां पर लिखा हुआ है ब्लैक पेन ओनली, एग्जाम वाले दिन आपने सिर्फ डार्क ब्लैक पेन लेके जाना है। और ये भी बात याद रखनी है क्योंकि ये कंप्यूटर इवेल्युएशन, ये ओएमआर शीट है, कंप्यूटर द्वारा इवेल्युएट की जाएगी। आपने जो मार्क करना है, पीछे बता के आया हूं, ये
ये जो आपने मार्क करना है ये कंप्लीट सर्कल होना चाहिए ऐसे फिल्ड। अगर कंप्लीट सर्कल नहीं होगा तो कंप्यूटर उसको उठाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे कर दिया ये पार्शली फिल्ड है तो ये कंप्यूटर उठाएगा नहीं। दैट इज वाई आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी कि आपका आंसर तो सही था लेकिन आप ब्लैक पेन से उसको अच्छी तरह से फिल नहीं कर पाए तो यहां पर आपका लॉस हो सकता है। जब टेस्ट का समय समाप्त हो जाता है तो उसके इमीडिएट आफ्टर आपको ये बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट और ये ओएमआर शीट जो होगी जिस पर आपने आंसर मार्क किए हैं वो आपको इमीडिएट वापस करनी होगी सुपरिटेंडेंट और जहां इन्विजिलेटर को। बेशक आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया फिर भी आपको ये वापस करनी होगी और आप इसका कोई भी पेज को फाड़ के अपने साथ नहीं ला सकते। अगर आप कोई पेज रिमूव करके अपने साथ लेके आते हो तो पकड़े जाते हो तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। टाइम समय टेस्ट के समय से पहले आपको टेस्ट सेंसर से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अगर आप रफ वर्क कोई कैलकुलेशन जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो जनरली लास्ट में एक दो पेज दिए होते हैं आप रफ वर्क वहां कर सकते हो। आप किसी भी तरह ओएमआर शीट पर इस शीट या इसके बैक साइड पर कोई भी रफ वर्क नहीं करोगे क्योंकि ये शीट कंप्यूटर द्वारा इवेल्युएट की जाएगी। अगर कोई भी मार्क आप लगाते हो तो रॉन्ग इवेल्युएशन आपकी हो सकती है। तो आगे चल के इंस्ट्रक्शन भी आएगी कि आप दोबारा रीचेकिंग री इवेल्युएशन ऐसा कुछ भी फिल नहीं। टेस्ट सेंटर में आप कोई भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जैसे मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ, कोई भी ऐसी चीज नहीं ले जा सकते। आप अपनी स्टेशनरी आइटम आप अपनी खुद लेके आओगे। ब्लैक पेन आपको, ब्लैक जेल पेन यहाँ लिखा हुआ है, वो आपको वहां से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके साथ अगर आप कोई इरेजर, स्केल ऐसी कोई चीज लेके जाना चाहते हो वो अगर बाद में इंस्ट्रक्शन आती है तो मैं उस पर डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। इसके आपकी टेस्ट की कोई रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग या रीअसेसमेंट नहीं होगी, ना ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी तरह की रीवैल्यूएशन के लिए। जो भी इवैल्यूएशन होगी एब्सोल्युटली जो यूनिवर्सिटी द्वारा होगी फाइनल होगी। कई बार कैंडिडेट गलती करते हैं कि ओएमआर शीट की बजाय यहां ही आंसर टिक करने लगते हैं और ओएमआर शीट खाली रह जाती है। इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा करने पर आपकी ओएमआर शीट ही इवेल्युएट होगी, ये इवेल्युएशन कभी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी कैंडिडेट के होता ऐसे ही है, कई कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो वो टाई कैसे तोड़ी जाएगी, जिसके क्वालिफाइंग एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ग्रेजुएशन में जिसके हायर मार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल तीन कैंडिडेट्स के मान लीजिए 50-50 क्वेश्चन आ गए, उनके ग्रेजुएशन में मार्क्स एक के 60% है, दूसरे के 60.3% है, तीसरे के 60.5% है, तो हायर मेरिट में रैंक वन पर ये आएंगे, रैंक टू पर ये आएंगे, रैंक थ्री पर ये आएंगे। आप कोई भी ई टेबल्स जहां मेरे ख्याल में पानी को अलाउ करेंगे बाद में, यहां पर लिखा हुआ है ड्रिंक्स अलाउ नहीं है, आप एग्जामिनेशन सेंटर में ले जा सकते हैं। स्मोकिंग में कोई भी ड्रग्स नहीं ले जा सकते। कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर में मिसबिहेव करता है, जहां सुपरिटेंडेंट द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, जहां अपने आप सीट चेंज करता है, जहां अनफेयर मीन्स यूज करता है, ये बातें हमको ऑलरेडी क्लियर है, हर एग्जामिनेशन सेंटर में होती है। तो आपको वहां से एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्वेश्चन बुकलेट जहां ओएमआर शीट पर किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं लगा सकते। कई बार होता है हम रिलीजियस कोई सिंबल लिख देते हैं, कोई कोड लिख देते हैं, तो ऐसे हालात में अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आप देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 32nd इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी जगह पर किसी और कैंडिडेट को भेज देता है तो उसकी इवन सजा ही है, वो 5 साल के लिए उस यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकेगा। अगर आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन छुपाते हो जिससे आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी लेकिन आप सारा कुछ छुपा के वो कर रहे हो, इस हालात में भी आपको
इवन यहाँ पर लिखा है कि पुलिस को रिपोर्ट कर दिया जाएगा, इसको क्राइम माना जाएगा। अगर किसी तरह का झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होती है ड्यूरिंग द और आफ्टर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, द डिसीजन ऑफ एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर इन ऑल सच केसेस शैल बी द फाइनल। टेस्ट सेंटर में आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे, उसके साथ एक कोई आइडेंटिटी प्रूफ जिस पर आपकी फोटो लगी हुई हो वो जरूरी है, इसके बिना आपको अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा। और एडमिट कार्ड को आपको जब तक काउंसलिंग प्रोसीजर पूरा नहीं हो जाता आपको संभाल के रखना होगा। एलिजिबिलिटी आपकी बनती है, इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेवार हो, यूनिवर्सिटी जिम्मेवार नहीं है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बाद में नहीं बनती तो कॉन्सिक्वेंसेज आपको नेगेटिव जो भी होंगे देखने पड़ेंगे। दैट इज वाई आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन हर हालत में हर जगह पर देनी चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट इसी वेब पेज पर आ जाएगा, punjabbedadmissions.org।